कमला जैसी तिथियों को सार्थक कर लीजिएगा। वो आज अक्षय नवमी है और उसके बारे में एक दो श्लोक बोल करके और मैं सीधे हरवंश पुराण की कथा की तरफ चलता हूँ। आज आंवला खाइएगा, आंवले के वृक्ष का दर्शन कीजिएगा। लिखा है कि तुलसी विपन छाया यत्र यत्र भविन्नपह, धात्री छाया सुयह कुर्यात् पिंडदानं नपोत्तम। आंवला को धात्री कहते हैं। धात्री वृक्ष की छाया में यदि कोई अपने पूर्वजों के लिए तर्पण कर देता है, ब्राह्मण को भोजन करा देता है, तो वर्णन किया गया है, कहा गया है कि उसका प्रभाव तृप्तिम चयांति पितरस्तस्य, पितर उसी समय तृप्त हो गया। इतनी बड़ी महिमा है, बड़ा सुंदर वर्णन है, जिनको रात रात में पूर्वज पुरखे दिखाई देते रोते हुए दिखाई। पूर्वजों का रात्रि में देखना शुभ नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। देवताओं का स्वप्न में देखना अच्छा है, बढ़िया है। पितर तो रात में तभी दिखाई देते हैं तब जब वो दुखी होते हैं, वो कष्ट में होते हैं तो वो दिखाई देते हैं। यदि कुछ ऐसा होता है तो आंवले के वृक्ष के नीचे एक ब्राह्मण को न्योता दीजिए, आंवले के पेड़ के नीचे ही रसोई बनाइए, पहले ब्राह्मण से तर्पण कराइए, पुरखों के लिए जल दिलवाइए, हो सके तो एक छोटा सा पितृ यज्ञ भी कर दें उस वृक्ष के नीचे। मैं एक उपाय बता रहा हूँ आपको, और उसके तत्पश्चात तर्पण और ब्राह्मण भोजन के तत्पश्चात में और वहीं उसी वृक्ष के नीचे उस ब्राह्मण को सैया दान के सहित उसको कपड़े लत्ता उसको दक्षिणा दे दीजिए, पूर्वजों का उद्धार हो जाएगा। ग्रंथ में लिखा है नरक में भी पड़े होंगे तो वो भी कल्याणप्रद हो जाएंगे, उनका भी कल्याण हो जाएगा। धात्री छाया सुया कुर्यात् पिंडदानं नपोत्तम तृप्तम चयान्ति पितरस्तस्य, ये नरकिस्तता, यदि कोई नरक में भी पड़े होंगे तो उनका भी उद्धार कल्याण हो जाएगा। आज आंवले का दान जरूर करना, आंवला बांटना वितरित करना, आपसे न बने हमें बोल देना। अब यहाँ के बाद में दुनिया भर का आंवला बांटा जाएगा, वो भंडारा चल रहा है बाहर सड़क पर, आश्रम के बिल्कुल दरवाजे के सामने चल रहा है। इन सब चीज़ों में मेरी खुद की बड़ी श्रद्धा है, क्योंकि ये सब मैंने इन ग्रंथों में पढ़ लिया है, तो फिर तो मन यह करता है पता नहीं क्या क्या ना करता। अक्षय तृतीया, संक्रांति, द्वादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, ये भंडारे के लिए, आज अक्षय नवमी, ये तिथियां हैं वो भंडारे के लिए बहुत ज़्यादा विशेष करें। आज की तिथि अद्भुत है, मूर्धनी पाणु मुखच्चैव देहे चणप सत्तमः, वाणी से, मुख से, हाथों से, पामों से किसी भी प्रकार का अपराध हुआ है, धत्ते धात्र फलम यस्त, वर्णन है जो मुख में, कंठ में, सिर के ऊपर, बाजुओं में धात्री फल आंवले के फल को धारण करता है, नित्यम से जीवन मुक्त उच्चते, वह जिंदे जी ही अपने आप में मुक्त हो जाता है, संसार उसको अपने बंधन में कभी बांध नहीं सकता। आंवले के फल की इतनी बड़ी महिमा, अपनी पूजा में भी नारायण के सामने एक पांच मनके की एक माला बना लो और भगवान के ऊपर चढ़ाइए। आंवले का वृक्ष आज के ही दिन भगवान नारायण से प्रकट हुआ है। आंवला जिस समय प्रलय होता है तो सब कुछ समाप्त हो जाता है, कुछ चीजें बच जाती हैं, एक माँ नर्मदा बच जाती है, वो डूबती नहीं है, उसका प्रलय नहीं होता। चित्रकूट बच जाता है, काशी बच जाती है और श्री वृंदावन बच जाता है और वृक्षों में आंवले का पेड़ बच जाता है, यह प्रलय में भी समाप्त नहीं होता। हम बड़े बड़भागी हैं, भाग्यशाली हैं कि मुख से आंवले के वृक्ष का नाम निकल रहा है, भगवान की बड़ी कृपा है। तीर्थानि मुनयो देवा यज्ञ सर्वे पिकार्तिके नित्यं धात्री समाश्रत्या तिष्ठन्तैर्कि तुलाश्रते। कार्तिक के महीने में आज आंवला नवमी के दिन जितने भी तीर्थ हैं तीर्थानी मुनियो देवा, जितने भी तीर्थ हैं, जितने भी मुनि हैं, जितने भी देवता हैं, जितनी भी नदियां हैं, वो आज की अक्षय नवमी आंवला नवमी वाले दिन ये सब आंवला के वृक्ष की जड़ों में सबका वास होता है, इसलिए इनका दर्शन करना बहुत ज़्यादा शुभ है। ताली को ज़्यादा तो नहीं बजा दिया आपने, बात तो मलूक सुना रहा हूँ आपको, बढ़िया सी सुना रहा हूँ। आंवला की बड़ी महिमा है। बोलो बांके बिहारी लाल की।